नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे चैनल ऑटो ज्ञान न्यूज में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मारुति की ऑल न्यू इको गाड़ी के बारे में। कंपनी ने फाइनली इसका नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। अब इस गाड़ी में आप लोगों को LPG और CNG के ऑप्शन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसके वजह से इस गाड़ी में अब आप लोगों को ज्यादा माइलेज देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि मारुति की गाड़ियों में आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन इस गाड़ी में मारुति ने काफी शानदार लोहे का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से अब आपको इस गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी भी काफी अंदर नजर आएगी। एंड अब ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी में आप लोगों को ड्यूल एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्रंट से देखेंगे तो इस गाड़ी में अब आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। पहले आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते थे, लेकिन अब आपको इसमें प्रॉपर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिसकी वजह से रात में जो आपकी विजिबिलिटी होती है वो काफी अच्छी बढ़ जाती है। फॉग लैम्प्स के ऑप्शन भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। साइड से आएंगे तो आपको इसमें प्रॉपर अलॉय व्हील के ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड 7 सीटर है तो गाड़ी आपको थोड़ी सी लंबी भी देखने के लिए मिलने वाली है। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं, बेसिकली इसे पहले चाइना में रिलीज किया गया है, ये अब आपको इंडिया में देखने के लिए मिलने वाला है। इसकी वजह से इस पे आपको स्टीयरिंग जो होता है वो अपोजिट साइड देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो इंडिया में आएगी आप लोगों को अपना जो राइट साइड स्टीयरिंग मिलता है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अंदर लेके चलने तो अंदर से आपको प्रॉपर टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, तो आप इजिली अपने फोन को कनेक्ट करके इस पे नेविगेशन वगैरह यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ स्टीयरिंग में आपको प्रॉपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं देखने के लिए। एंड स्टीयरिंग कंट्रोल यार काफी अच्छा होते हैं, क्योंकि जब आप हाईवे वगैरह में गाड़ी चलाते हैं तो बार बार आप लोगों को टच करके म्यूजिक वगैरह के वॉल्यूम तेज करना पड़ता है, कॉल्स वगैरह उठाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ये एक अच्छा फीचर है, जिससे आप लोगों के जो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं हाईवे में वो काफ़ी कम हो जाते हैं। स्पेस की बात करें तो यार स्पेस इस गाड़ी में बहुत सारा पहले से मिलता है, तो इस बार भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। एंड इस बार तो इसका व्हील बेस को भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो आप लोगों को अच्छा लेगरूम भी देखने के लिए मिल जाता है। हेडरेस्ट आपको पूरे मिल जाते हैं, एंड हेडरेस्ट काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है, जिससे आप लोग सेफ रहते हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो आपको ये वार्निंग बार बार देती रहेगी। ऑल ओवर बात करूं इस गाड़ी के प्राइस की, तो 3.5 लाख से ये गाड़ी शुरू होती है भारतीय बाजार में। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो 50,000 की डाउन पेमेंट देके आप 3 लाख रुपए फाइनेंस करा सकते हैं। 6 साल के लिए अगर आप फाइनेंस कराएंगे तो आपकी जो किस्त आती है वो 6,000 रुपए आएगी। बाकी दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आप लोगों से एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।